Hello everyone, how are you? Myself Hemant, a trader, investor, content editor, blogger, owner of Wise Investing Solutions. Yet another video for you. और एक ये बहुत ही interesting topic है, last तक देखना, skip मत करना, और बहुत ही useful होने वाला है ये video आपके लिए. So अगर आपने मेरा channel अभी तक like, share और subscribe नहीं किया है तो please subscribe कर दो, ताकि मैं आपको ऐसे useful content बना के देता रहूँ, ताकि आपको कुछ benefit हो सके, right? चलो, मैं आज आपको बताने वाला हूँ एक sweep account के बारे में. अभी sweep account क्या होता है, ठीक है? आपने सुना होगा कि कई लोगों के पास बैंक अकाउंट में ऐसे नॉर्मल पैसे पड़े रहते हैं, 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख, बट वो यूटिलाइज नहीं होते हैं, राइट? सो जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं उनके पास जनरली इतने पैसे हार्ड कैश पड़े रहते हैं, तो उसको यूटिलाइज कैसे कर सकते हो अच्छे बेनिफिट के लिए, राइट? या तो नॉर्मल लोगों के पास भी अगर इतने पैसे अगर बैंक में पड़े हैं आइडियली, तो सेविंग अकाउंट में रखना एक टाइप की हम कह सकते हैं कि किडिश बिहेवियर हो जाता है, राइट? तो लेट अस कम टू द पॉइंट, व्हाट इज स्वीप अकाउंट. अभी स्वीप अकाउंट क्या है? स्वीप अकाउंट का मतलब होता है, इसको टू इन वन अकाउंट भी बोल सकते हैं. अब स्वीप अकाउंट में आप मान लो आपके पास 10 लाख रुपए सेविंग अकाउंट में पड़े हैं, राइट? और आपको यूज नहीं है कुछ भी उस पैसों का, ऐसे ही पड़े रखे हैं, तो आप क्या करते हो, आप बैंक के पास जाओ, बैंक को बोलो मुझे स्वीप अकाउंट का एक फॉर्म साइन करना है, आप उसको फाइनल फॉर्म साइन करके दे दो, और आपके जो आइडियल पैसे पड़े हैं वो नॉर्मल एफडी के रेट्स में इंटरेस्ट देना चालू हो जाएगा आपको, और वो एफडी में कन्वर्ट हो जाएंगे. और हाँ, दूसरा बेनिफिट क्या है, आप इसमें विड्रॉ भी कर सकते हो, इसमें कोई लॉक इन नहीं रहेगा, ठीक है? तो जब भी आप के पास ऐसे कुछ एक्सेस पैसे पड़े हो, 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने 15 दिन 20 दिन जो भी एनी टाइम पीरियड के लिए, आप किसी भी बैंक में जाके पूछो कि भाई मेरे को ये जो पैसे हैं मेरे आइडल, उसको स्वीप अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं, तो वो आपको एक फॉर्म देंगे, आपको साइन करके देना है टिपिकली, और उसका इंटरेस्ट रेट 5.5 से 7% के अंदर होता है. तो आपका नॉर्मल सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट कितना है, 3-4%, इसमें आपको मिलेगा 5.30-6.7%. तो ये डिफरेंस हो गया स्वीप अकाउंट का और नॉर्मल सेविंग अकाउंट का. तो जब भी आपको ऐसा लगे कि भाई मेरे पैसे आइडल पड़े हैं 2-4 महीने के लिए, और आपको रिस्क भी नहीं लेना और आपको रिटर्न भी अच्छा चाहिए, तो आप ये स्वीप अकाउंट के बेनिफिट से आप एफडी जितना इंटरेस्ट कमा सकते हो. और बेनिफिट ये भी है कि आप इसमें लॉक इन पीरियड नहीं है, और आप इसको दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हो. आप सेविंग अकाउंट में पैसे विड्रॉ भी कर सकते हो, डिपॉजिट भी कर सकते हो, और एफडी का इंटरेस्ट रेट का रिटर्न भी ले सकते हो, राइट? सो बहुत सारी बैंक्स ये सारी फैसिलिटीज़ दे रही है, और कई और ऑलमोस्ट देती है सारी बैंक्स. तो आपके पैसे जब भी आपको लगे कि ये पैसे अभी कुछ काम के नहीं है, बैंक में ऐसे पड़े हुए, तो आप बैंक में जाके सीधा सीधा बोलो कि भाई ला मुझे फॉर्म दे, मुझे स्वीप अकाउंट चाहिए, ये फॉर्म साइन करके दे दो, और आपका एफडी का इंटरेस्ट रेट चालू हो जाएगा, ठीक है? आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी. और अगर आपको इसके बारे में अवेयरनेस नहीं था और अभी अवेयरनेस आई है, तो ये अवेयरनेस दूसरे तक को, दूसरे लोगों को भी बताएं, ताकि उनको भी थोड़ा हेल्पफुल हो जाए, है ना? चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय.